दोस्तों यूपीपीसीएस का एग्जाम तो पास में आ ही रहा है, साथ ही साथ में आप ये समझो आरओ यारओ का जो री एग्जाम होना है इसमें भी आखिरी के सिर्फ 90 दिन ही आपके पास में बचे। इस एग्जाम के लिए भी आप लोग को सीरियस हो जाना चाहिए। साथ ही साथ में एक क्वेश्चन जो है ना वो बहुत रहता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं, जो भैया पेपर हुआ था जो कैंसिल हो गया 11 फरवरी को हुआ था, अगर वैसा ही पेपर आ जाए तो हम क्या करेंगे? उसमें जीएस तो इतनी टफ थी हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो इसी के लिए ना मैं आपको बताने हूँ कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ताकि आप सिर्फ क्या करो कट ऑफ निकाल लो भैया, सिर्फ आपको कट ऑफ निकालना है। ठीक है, चलो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो आप लोग ये जान लो जो अभी 2021 का कट ऑफ आया है ना आपके सामने, 2021 का कट ऑफ आया आर ओ यारो का, उसमें ए आर ओ की पोस्ट का आया है। ठीक है, पहली चीज तो ये समझो। जनरल का जो कट ऑफ गया है ना वो कितना गया? 102 नंबर गया है। ठीक, अब आप समझो आर ओ यारो का जो पेपर होगा वो क्या होगा? जीएस का पेपर होगा आपका 140 नंबर का, 140 क्वेश्चन होंगे, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। फिर होगा आपका हिंदी का पेपर, हिंदी का 60 मार्क्स का होता है, 60 नंबर हो तो टोटल 200 मार्क्स हो गए। अब देखो यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो हिंदी के 60 नंबर है ना ये बहुत आसान होते हैं। ठीक है, आप लोग को लगेगा कि भैया ये जो 60 नंबर है बहुत टफ है, लेकिन मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि जो 60 नंबर का पेपर होता है ना ये आसानी से कर लेते हैं, इसमें 50-55 तो ले ही आते हैं, क्योंकि आपका एक फिक्स सिलेबस है इसमें। ठीक है, आपका हिंदी के उसमें फिक्स सिलेबस है, आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अगर मतलब डेडिकेटेड तैयारी करेंगे 50-55 नंबर जो हैं वो इसमें ले ही आएंगे। ठीक है, मान लो अगर कट ऑफ आपका 102 जा रहा है ए आर ओ की पोस्ट का, अरे आर ओ में आप 120 मान लो, हम कह रहे हैं भैया इस साल 2024 में 120 जाएगा, अगर आप 50 नंबर भी ले आए हिंदी वाले पेपर में, क्योंकि मैं आपको एक रफ एस्टिमेट कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग तो 55-60 भी लाएंगे, तो आपको जीएस में कितना चाहिए होगा? जीएस में आपको 70 ही तो चाहिए। जीएस में आपको तब कितना? 70 नंबर चाहिए। कितने में? 140 में। तो पहली चीज तो ये समझो कट ऑफ आपका 120 125 के आसपास ही रहता है। कट ऑफ निकालना है तो हिंदी मजबूत करनी पड़ेगी, हिंदी डेली पढ़नी पड़ेगी। अब आप कहोगे भैया जो जीएस का 140 में 70 बता दियो ये कैसे करें? इसके लिए भी एक आपका शॉर्टकट है। अब देखो जो आपका आर ओ यारो का पेपर है ना इसमें आपको उल्टा चलना पड़ता है। ठीक है, जी हाँ उल्टा चलना पड़ता है। इसमें अगर आपने मेन मेन सब्जेक्ट से स्टार्ट कर दिया ना, जैसे पॉलिटी हिस्ट्री एंशियंट हिस्ट्री उठाने लग गए, मिडिवल हिस्ट्री पढ़े पढ़े हो भैया कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ज्योग्राफी ठीक है, आप इकोनॉमी अगर पढ़ने लग गए, ये सब सब्जेक्ट्स अगर पढ़ने लग गए ना तो भैया जीएस तब बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। जीएस की स्ट्रैटेजी इसमें ये है, सबसे पहले उठाओ, मैं जो आपको बता रहा हूँ आप लोग सबसे पहले पकड़ो रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग जो है ना रीजनिंग डेली लगाओ, 1 घंटा डेली रीजनिंग करो आर ओ आर ओ के एग्जाम के लिए। रीजनिंग से आप ये समझो 10 से 15 क्वेश्चन जो है आपका पेपर में आते हैं, 15 मान लो रीजनिंग के आपको आ गए। इसके बाद में रीजनिंग के बाद में देखो साइंस। ठीक है, साइंस भी डेली लगानी है, साइंस से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। जब रीजनिंग साइंस हो जाएगी ना कुल मिला के इसी से 30-20 क्वेश्चन के आसपास आपको मिल जाएंगे। अब कहोगे इस पे इस वाले में नहीं आए, भैया देखो होता क्या है, हमेशा आते हैं रीजनिंग साइंस से भर भर के सवाल आते हैं, हर साल आते हैं, कभी मान लो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो बाकी सब्जेक्ट्स में मिल जाता है, कभी ज्यादा क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले उठाओ रीजनिंग साइंस। इसके बाद में क्या करो, जो मिसकेलेनियस डेटा दे रखा है ना, जैसे आप समझो पॉपुलेशन को लेके, मतलब जो आपका जनगणना है उसको लेके वो डेटा आप लोग पढ़िए, जो जनगणना सेंसस है ना उसको अच्छे से फेमिलियराइज उसको होइए, फेमिलियर होइए सेंसस से। फिर जो आपका एग्रीकल्चर कृषि का डेटा, पहले तो सिलेबस देखिए आर ओ आर ओ का जो आपका कृषि है। ठीक है, ये जितने भी आपके मिसकेलेनियस टॉपिक्स हैं ना, जितने भी मिसकेलेनियस टॉपिक्स हैं इनको पढ़ना देखो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो किस हिसाब से चलना, पहले रीजनिंग उठाओ, साइंस, फिर मिसकेलेनियस। इसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ इसके बाद में क्या करना है। इसके बाद में आइए जो बाकी मेन सब्जेक्ट है उसमें भी उठाओ मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में भी क्या उठाना है? आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से, 1885 से लेके 1947, क्योंकि आर ओ आर ओ का सिलेबस देखना है। मैं इसमें भी पीपीटी में ला नहीं पाया, आप अभी जाके सिलेबस देखोगे ना तो आपको दिखेगा अलग से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट अलग से मेंशनड है, अलग से एक पॉइंट में मेंशन किया गया है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ 1885 से 1947 तक पढ़ना है। ज्यादातर लोग क्या पढ़ लें, प्राचीन काल पढ़े पढ़े अपना। ठीक है, उससे क्वेश्चन भैया आप समझो 3 या 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, और मेहनत तो उसमें बहुत ज्यादा लगनी है। मॉडर्न हिस्ट्री में वो आराम से कर लोगे। फिर आप करिएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है मैपिंग के थ्रू करिए, आप लोग मैपिंग से पढ़िए। नॉर्मल ज्योग्राफी जो है, जो इंडियन ज्योग्राफी है उसको भी मैपिंग से करो, क्योंकि मैपिंग वाले क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा आते हैं। एक टॉपिक और रह गया, एक टॉपिक और है आपका करेंट अफेयर। करेंट अफेयर, करंट अफेयर्स क्या है? करंट अफेयर्स से भी भैया सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स से दिखेंगे। अब करंट अफेयर्स आपको करके जानना है, मतलब समझो
8 से 10 महीने का तो करके जाना ही करेंट अफेयर, इसी से ज्यादा होंगे। साथ साथ में इकोनॉमी के लिए क्या कर लेना, अगर यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, उसमें तो मैंने आपको बताया है कि जो बजट होता है, फिर इकोनॉमिक सर्वे, फिर यूपी का बजट, ये करना है। अगर ये तैयार कर लिया तो ये आर ओ आर ओ में भी काम आ जाएगा। मान लो यूपी पीसीएस की तैयारी नहीं कर रहे हो, तब भी ये कर लेना, आर ओ आर ओ में इससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। करेंट अफेयर सिर्फ इतना करोगे ना, जीएस आराम से निकलेगी, बाकी किसी सब्जेक्ट को छुओ भी ना। रीजनिंग करो, अभी अगर रीजनिंग में अभी भी डर लगता है ना, नहीं आती रीजनिंग, तो मान लो पहले सोच लो रीजनिंग को छोड़ के जाना है। अब हमने रीजनिंग बता दिया, 90 दिन का टाइम, 1 घंटा डेली करोगे ना, आराम से हो जाएगा। साइंस साइंस 1-1.5 घंटा डेली पढ़िए साइंस, ठीक है, आराम से आप रीजनिंग साइंस जो है ना एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। बस करना है कि डेली देना है, 1 घंटा रीजनिंग को दो, अपने 1-1.5 घंटा साइंस को दो। फिर कहने जो मिसकेलेनियस का डेटा है ये बताया, करेंट अफेयर डेली करते रहो, ठीक है। करेंट अफेयर जो पिछले 8-10 महीने का है, मतलब दिसंबर से 8-10 महीने पहले का होगा आपका, तो अभी आप समझो अगस्त का आया होगा जो मंथली करंट अफेयर। माय स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आपको मिल ही जाता है मंथली करंट अफेयर कंपाइलेशन, मेन चैनल पे वीडियो होती है, पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो उसको पढ़ो, उसको रट डालो अगस्त वाला, ठीक है। फिर जब सितंबर हो, सितंबर आप पढ़ते रहो, उसके पहले भैया मतलब दिसंबर से 8-10 महीने पहले का पढ़ना है, ठीक है। ये करो, ऐसे करोगे ना आराम से निकल जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड ज्योग्राफी इतना ही सब्जेक्ट करके जाओ, जीएस में से हमें 70 नंबर चाहिए, इतने में से आ जाएंगे। और साथ साथ में हिंदी जो है, हिंदी डेली 2 घंटा, हिंदी को डेली 2 घंटा देना है। देखो अगर भैया अधिकारी बनना है तो समझो 6 से 8 घंटा जो है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, 6 से 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। तो आप ये करिएगा अच्छे से, आपको भैया काफ़ी जो है ना, जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो फायदा लगेगा कि हाँ यही स्ट्रैटेजी जो थी वो सही थी। चलो फिर अपना कैसे पढ़ो, 6 से 8 घंटा पढ़ो, 1 घंटा डेली रीजनिंग हो गई आपकी, ठीक है, 1 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा आपकी साइंस हो गई, ठीक, 1 घंटा करेंट अफेयर डेली पढ़ो, 3 फिर हो गए इसको। अच्छा ऐसा करो, साइंस को 2 घंटा कर लो, ठीक है, साइंस को 2 घंटा कर लो, 2-3 घंटा, 1 घंटा आपका हो गया करेंट अफेयर हो गए, ठीक है, कितना हो गया, 4 घंटा हो गया, बाकी दो दो घंटा है ना उठा लो मॉडर्न हिस्ट्री, एक बार मॉडर्न हिस्ट्री, फिर एक एक दिन अपना ज्योग्राफी पढ़ लो, या 1-1 घंटा करके करना है तो वैसे देख, ठीक है, इतना करिएगा। बाकी अच्छा ये कितना, 6 घंटे होगा, बाकी फिर 2 घंटा आपका हिंदी दो पढ़ना ही है। कुछ अगर फ्लेक्सिबल आपको टाइम टेबल बनाना हो तो अपना इसमें टाइमिंग कर भी सकते हो, 7 घंटा भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर, ठीक है, लेकिन इतना तो पढ़ना ही है, 6 से 8 घंटा पढ़ना है। मैंने आपको 8 घंटे का बता दिया, ठीक, आप चाहो तो इसको 5 घंटे का, 5 ना करना, 6-7 आपकी मर्जी है, जितना आपका करना चाहो। तो कहीं ना कहीं से टाइम घटाना है, साइंस वाले से टाइम घटा लेना, फिर 1 ही घंटा पढ़ो इसे, ऐसे करना है, ठीक है। साथ साथ में ये बता दूँ, आर ओ आर ओ का हमारा पूरा कोर्स चल रहा है, रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको मिलेंगी हमारे टॉप एजुकेटर्स द्वारा, तो आप हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। कैसे करोगे, इन नंबर पे कॉल करके, ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। नमस्कार।